दोस्तों मैं जो कार पॉलिशर मशीन यूज करता हूँ ये है स्टारक्यूब ब्रांड का ST180A रोटरी पॉलिशर मशीन, और इस पॉलिशर मशीन को मैं अपने चैनल के वीडियो के पर्पस में यूज करता हूँ। तो इस पॉलिशर मशीन के लिए मैंने एक फोम पैड को मंगवाया है अमेजोन से। मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर में एक वीडियो बनाया जाए ताकि फोम पैड का क्वालिटी को भी चेक करके आपको दिखाया जाए। तो सबसे पहले ये जो पैक है इसको अनपैक करते हैं। तो ये रहा इसका बिल। तो ये है दोस्तों साइनमेट का T80 योलो फ्लैट यानी हार्ड फोम पैड, और इस फोम पैड को आप चाहे तो रोटरी और DA यानी डुअल एक्शन पॉलिशर मशीन दोनों के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों के साथ ही कंफर्टेबल है। लेकिन इस फोम पैड को खास करके बनाया गया है साइनमेट EX डुअल एक्शन पॉलिशर मशीन के लिए, और इस फोम पैड के साथ हार्ड कट कंपाउंड को यूज़ करना बेस्ट रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप चाहे तो उसके अलावा इसके साथ दूसरा कंपाउंड्स पॉलिशेस ग्लेज वैक्सेस या फिर सीलेंट वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इस फोम पैड का क्वालिटी कैसा है देखेंगे, और साथ ही साथ इस पॉलिशर मशीन के साथ इस फोम पैड को यूज़ करके भी आपको दिखाएंगे। तो कृपया वीडियो के साथ बने रहें, और आप अगर इस फोम पैड को खरीदना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इसका परचेसिंग आपको मिल जाएगा। चैनल में नया तो सेलेक्ट करके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो बना डाऊंगा वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पैकेट के ऊपर में देख सकते हैं साइनमेट का ब्रांडिंग है, और इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है फोम पैड 7 इंच योलो फ्लैट 118x30mm T80। तो अभी पैकेट को सबसे पहले काट लेते हैं। फोम पैड के पैकेट में जो 7 इंच योलो फ्लैट लिखा है, 7 इंच का मतलब है इस फोम पैड का डायमीटर 7 इंच बताया जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर स्केल है, स्केल से एक बार इसके डायमीटर को नाप के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ दोस्तों फोम पैड का डायमीटर 7 इंच का ही है, और फोम पैड के थिकनेस जो है ये लगभग 1 इंच का है। और फोम पैड को हाथ में लेकर जो पता चल रहा है फोम पैड का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। और फोम पैड के इस साइड में देख सकते हैं यहाँ पर भी साइनमेट का ब्रांडिंग है, और यही वाला साइड जो है पॉलिशर मशीन के बैकिंग प्लेट के साथ अटैच होगा। तो यहाँ पर दोस्तों पॉलिशर मशीन के बैकिंग प्लेट के साथ जो उल पैड लगा है इसको सबसे पहले निकाल देते हैं, और यहाँ पर इसको लगाना एकदम सिंपल है। साइड में ऐसे करके देखिए, देख लीजिए परफेक्टली बैकिंग प्लेट के साथ अटैच हो चुका है फोम पैड। दोस्तों यहां पर कार के पूरा बोनेट को हमने शैम्पू वॉश करके रखे हैं, लेकिन मास्किंग टेप के मदद से यहां पर जो स्क्वायर बनाया है इसके अंदर के पोर्शन में हम फोम पैड को यूज करेंगे पॉलिशर मशीन से। लेकिन यहां पर शैम्पू वॉश करने के बावजूद भी थोड़ा बहुत जो है कॉन्टेमिनेशन वगैरह लगा है, तो इसको सबसे पहले क्लेवर को यूज करके डिकॉन्टेमिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्ले ल्यूब स्प्रे को स्प्रे कर देते हैं। क्लेवर में डिकॉन्टेमिनेशन वगैरह जो है चिपक गया है, वाइप अप कर देते हैं। अभी इसके ऊपर में सबसे पहले हम यूज करेंगे वैक्स पोल एक्सकट रबिंग कंपाउंड को पॉलिशर मशीन के जो फोम पैड है फोम पैड के ऊपर में, बस थोड़ा थोड़ा मात्रा में जो इसका ड्रविंग कंपाउंड कर लेंगे। ऐसे ऐसे करके पूरा सरफेस के ऊपर में लगा देंगे। तो यहाँ पर कैमरा शायद जज नहीं कर पा रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो पेंट डिफेक्ट्स था इस सरफेस के ऊपर में वो काफ़ी हद तक यहाँ पर करेक्शन हो चुका है। तो अभी दोस्तों इस सरफेस के ऊपर में हम यूज़ करेंगे वेबएक्स कारनोवा वैक्स को। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो में अभी तो फोम पैड को क्लीन नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों हमेशा एक चीज़ ध्यान पर रखें जब भी फोम पैड को यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा कंपाउंडिंग वगैरह अगर यूज़ किए हैं तो उसके बाद फोम पैड को जितना हो सके क्लीन करने के बाद ही वैक्स वगैरह का इस्तेमाल कीजिए।
तो अभी माइक्रोफाइबर क्लॉथ के दूसरा साइड से हम इसको वाइप अप कर देते हैं। तो दोस्तों उलपैड के साथ यूज़ करके जो रिजल्ट मिलता है, क्योंकि मैंने वेबएक्स कार्नोवा वैक्स को पॉलिशर मशीन के उलपैड के साथ यूज़ किया है बहुत बार, तो मैं यहाँ पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल सकता हूँ फोम पैड में यहाँ पर रिजल्ट उससे कई गुना अच्छा मिला है। लेकिन हालांकि वो चीज़ कैमरा में जज नहीं होगा। तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का मिरर साइन आ चुका है यहाँ पर। मास्किंग टेप को हटा देते हैं, देख लीजिए। डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप चाहे तो इस येलो फ्लैट फोम पैड को अपने कार पॉलिशर मशीन, चाहे रोटरी पॉलिशर मशीन हो चाहे ड्यूल एक्शन पॉलिशर मशीन हो, उसके लिए खरीद सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।